तन तन। साहिबे कमाल भगती मार्ग दे जन्मदाता बेगमपुर दे निर्माता पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी इन्हां दी पावन ते पवित्र हजूरी विच स्टेज ते विराजमान कामल मुर्शिद श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज ते गुरु रूप प्यारी साध संगत जी आप सब नू दास्ता जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। राग मारू बानी साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी ओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निमाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारिया ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। सत्संग शुरू होवे उदे तो पहला दास दी एक बेनती है कि भागपुर ते जगानू दियां किन्नियां कु संगतां जरा हाथ खड़े करके मैनू दसन भागपुर ते जगानू दियां। हाँ ठीक, थैंक यू सारे का धन्यवाद। अगली बेनती है कि अमरदास जी सहित ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਕਿੱਕਰੂ ਕਿੱਕਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਸਪਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ। ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਮਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਮਲ
गुरु जी ने अपना गुरु बना लिया तो राजे दे मन दे विच सोच आई, प्यार आया, क्यों ना गुरु जी दे किते ग्रह विच चरण भी पवाए जान। तो राजा ने बड़े प्यार दे नाल गुरु चरणा च बेनती कीती, गुरुदेव किते किरपा करो, साडे ग्रह विच चरण भी पाओ। गुरु जी ने राजे दी बेनती नु स्वीकार कर लिया, कह लगे ठीक है, एनी तरीक नु असी आवांगे। तो राजे ने तैयारियां करनिया शुरू कर दित्तिया, एक बहुत सुंदर पंडाल बनाया गुरु जी ले, एक सुनहरी सिंघासन तैयार किया। संगतां नूं बुलाया, संगतां दे बैठन लई बड़ी बड़ी विद्वान बुला ले जो संगतां नूं वेद मंत्रां दा ज्ञान देन। ओ वेद मंत्रां दा ज्ञान दे रहे हन। जदों गुरु जी पहुंचे, गुरु जी नूं राजे ने बड़े सत्कार दे नाल उच्चे सिंघासन ते बिठाया, सुनहरी सिंघासन ते। जदों गुरु जी नु सुनहरी सिंघासन ते बिठाया तो ये गल उन्हां विद्वानां नु चंगी नहीं लगी। जदों उन्हां विद्वानां नु ये गल चंगी नहीं लगी ते उन्होंने राजे नु कहा कि राजा, सानू इतने इतने विद्वाना नु बुलाया, फिर इस नीच नु साडे सामने सुनहरी सिंघासन ते बिठा दिता, असी तेरा बैठ के राजा भोजन नहीं खावां, तेनु सराफ दे के चले जावांगे, जां इस रविदास नु नीचे उतार। जदों उन्हां ने उन्हां दे गुरु दी तोहीन कीती, राजे नु गुस्सा आ गया। राजा कहिंदा सतगुर करिए ऐसी कार, परमी ई जो लोक है करा शहर तो बार। ऐ सतगुरु जे हुक्म करो ते इन्हां नूं मैं शहरो बार कढ दे। जेड़े लोक आप नूं नीचा कहिंदे हन, राजा जे इन्हां नूं शहरों बाहर कढदेगा तो बाहर जाके परम फैलांगे। राजा इन्हां नूं शहरों बाहर नहीं कढना, जे कढना है तो इन्हां दे अंदर दे परम नूं बाहर कढ, ते जे तेरे कोलों नहीं निकलदा ते मैं राजा इन्हां दे अंदर दे परम नूं बाहर कढांगा। इन्हां नूं बाहर कढ़न दी जरूरत नहीं है, इन्हां दे परम नूं बाहर कढ़न दी जरूरत है। साडे आम ही कोई गलती करदा तो पुराने लोग कहिंदे इन्हूं बरादरी तों सेक दो, तो फिर गलतियां करेगा। गुरु जी दा कहिंदा कि नहीं, उहदे अंदर जिहड़ी बुराई है उहनूं उहदे चों खतम कर, उसनु खत्म करना। सतगुर कहिंदे राजिया सुनो हमारी बोध, करोध करन ते धर्म नष्ट ताते तजो करोध। राजा
क्रोध विच नहीं आना, क्रोध करन दे नाल धर्म नष्ट हो जाता है। कोई गल नहीं है, ये कुछ कह रहे ने, कहन दो इन्हां, मैं नीचे बैठ जाता हूं। नहीं गुरुदेव, आओ मेरे कमरे च आके बह जा। उधर नौकरां नूं कह दिता गया कि इन्हां नूं भोजन खिला दिओ। हुण चुके पूर के थाल जा नौकरां ने कल्ले कल्ले नूं रख वरतौण लगे। उन्हां चुक गराई जा मुख लाई, नाल इक रविदास भी पौण लगे। तेरे नाल है बैठ रविदास कांदा, जावे पीस ना खिजनिया पौण लगे। जदों भोजन खान लगे तो आपस विच बाचे चल पे कई। उदो ते तू कहिंदा सी उसे गासन ते क्यों बिठा ता, हूं नाल बिठा लिया खान। मेरे नाल कदों ता तेरे नाल है, वो कहिंदा तेरे नाल है। वो जितने लोग सन उतने गुरु जी दे स्वरूप हो, उन्हां दा मान टुट गया। वो गुरु जी दे आके चरना ते डिग पे। पासा साड़ी गलती माफ करो। जदों लोग गुरु जी दे चरना ते डिगे, गुरबाणी दे विच आया, मेरी जात कुट बांडला ढोर टवंता नित ही बनारसी आसपास। अब विपर प्रदान करे डिंडौत तेरी सरनाए रविदास दासन दास। मैं उस जाति च जन्म लिया जिस जाति दे अज वी लोग मरे हुए पशुआं दे चमड़े दा काम करदे ने बनारस दे आस पास दे इलाकियां च। पर मेरे ते मालिक दी इतनी कृपा हो गई कि अज बड़े बड़े प्रधान विपर जेड़े सन बनारस दे मैनू डंडौता कर रहे ने। राजा हैरान हो गया, हो पत्थर भी पिघल गए। गुरु जी धन हो तुसी पत्थरां नूं भी ज्ञान दे। अज राजा बहुत खुश हो, उसने अपने मंत्री मंडल नूं बुलाया ते कहा, मेरे मन दी चाहत है कि राजगुरु गुरु रविदास जी दी शोभा यात्रा हो। एक सुनहरी अपने हीरियां जड़त रथ तैयार करवाया जाए। वो करवा दिता गया, गुरु जी नूं उहदे उपर बिठा दिता गया। राजा अपने हत्थां दे नाल उन्नूं चवर चला रहा। उन्हां नूं चारे पासे जय जयकार हो रही है, फुल्लां दी वर्खा हो रही। जा गुरु जी ने पीसे चाती मारी तो उन्हां दे जिहड़े विरोधी लोक सन उन्हां ने किसे ने गल च टोल कपाई हुई, किसे ने चिमटा लिया होया, कोई खड़कालां वजा वजा के गुरु की महिमा गाउंदा। उदों सतगुरां ने कहा इस सारे नजारे नूं वेख के, ऐसी लाल तुझ बिन कौन ते है मालका, ऐसी बख्शिश ऐसी कृपा भला तेरे बिना मेरे ते कौन कर सकदा। गरीब निवाज गुसैया मेर, ऐ गरीबना वाल गरीबा नु निवाजने वाली, वो मेरे गसैया वो मेरे प्रभु तो ऐसी कृपा कर देना, गरीब दे सिर ते भी सत्र चला देना। इस सतगुरां ने प्रभु नु कहा है
परदास अज सतगुरां नूं कहिंदा ऐसी लाल तुझ बिन कम न करे ऐ सतगुर जी, ऐसी कृपा ऐसी बख्शिश भला तेरे बिना साडे ते कौन कर सकदा सी। गरीब निवाज है गरीबां नूं निवाजने वाले ओ मेरे मालका, तुसी ऐसी कृपा कर देनी ती है गरीबां दे सिर ते ही सत्तर चला दित्ती, अजे गरीबां नूं भी इतने महान बना दिता, ये तेरी कृपा नाल होया मालका, तू ना हुंदा ते ये दिन नहीं सन। बड़िया सुंदर पंक्तियां ने, तकरीबन मैं उन्होंने गुरु जी के जन्म दिन से आम ही कह दिंदा कि हुंदे जिंदगी ना तो नहीं जान, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा, पहले वांग ही बुरकियां झूठ खांदे भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा, इना पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी जां सज हुंदा, रहिंदे दूर ही कोट कचहरियां तों साडा कोई वकील ना जज हुंदा, पेंदी सिरा विच आग दोस्तां दी सानू कोई ना हो सहवास हुंदा, तेरी बाज माया जेड़ा हार हुंदा, मेरी कलम तो नहीं बयान हुंदा, सिक्का आज भी कन्ना दे विच पेंदा जीना जगते गुरु रवि दास, तो उन्हां दी कृपा नाल उन्हां दीआं बख्शिशां नाल ऐ सारा कुछ पंडाल लग्या, उन्होंने बख्शिश नाल गुरु घर बनिया, उन्होंने बख्शिश नाल मैं कुछ कह रहा, उन्होंने बख्शिश नाल उन्होंने बख्शिशा ना होंगे तो ये साढ़े ते कोई दिन नहीं सन। हमें असी कृष्ण जी के घर गए हुए सा, चाहे कोई छोटा मुलाजम भी है उन्हें भी वधिया कर बना, इथों दी ही गल है। ठाकर दास जी मेरे सास सन, उन्हां दिनां च गड्डी साडे कोल नहीं सी हुंदी, चाहे ते प्राइवेट कोई गड्डी लैके आना पैंदा जां बसां च सफर करना पैंदा, असी किसी मैटाडोर च बैठ करके उधमपुर की संगत इत्थे पहुंची। छोटा जिहा मंदिर सी अगे, मैनूं याद नहीं रहा कित्थे सी ओ, ऐ नज़दीक उत्थे सत्संग सी, उत्थे शहर दे कोई लाले भी आया सी, उन्होंने अपने कोई जठेरियां दा अपनियां बरादरी की सलामी बना रखी, थोड़े जे जी सन, बैठन का भी पता नहीं सी लग रहा। सत्संग होया तो कह लगा मैं बाबा जी नूं घर रखना, मेरे नाल एक दो सेवादार सन, रात नूं वो टप्पड़ा जा सी जेड़ा उत्थे, उन्होंने जेड़े कंबल दिते उपर लिए ते वो बकरियां दियां मिंगना मुंगना दी समेल आए नीचे करिए ठंड लगी। अज सतगुरां दे चरणां नाल जुड़े बदलाव आ गए, किन्नी चीज आ गई साडे च, बहुत सारे घर च इस तरह होगा, जेड़े कंबल कुंबल उपर ही कि डांग बन के उसके उपर सुट देंगे सन। पंजा क साल पहला की गल, ज्यादा देर नहीं,
सोच ही नहीं सकेंगे साडे बच्चे कि किस तरह का माहौल है। सतगुरां दीआं कृपा हुईआं बख्शिशां हुईआं दिन बदल गए, समय बदल गए, ते ए उहनां दी कृपा दे नाल ते उहनां दी कृपा नूं याद जरूर रख। हुणे मैं उधमपुर सां, अपना ही परिवार सी, कोई अपने जी सन, मैं क्या जदों मैं इस घर च पहली बारी आया ते घर कच्चा सी, पर जीआं दा प्यार बड़ा पक्का सी। हुण घर सारिआं दे पक्के बन गए पर प्यार कच्चे बन नहीं। गुरु जी ने सानू हमेशा आपसी प्यार ना रहना ही सिखाया। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, जोत जगत को लागे तो पर नीचो ऊंच कर मेरा गोविंद जोत जगत को लागे तो पर तू ही टारा, नीचो ऊंच कर मेरा गोविंद जगत को लागे तां पर तू ही डरे। गुरु जी ने प्रभु नु कहा वैसे शब्द ना, पर दास गुरु जी नु कह रहे हैं, जहां की सोत जगत क्यों लागे, जिदी सोत तो ये दुनिया दे लोक डरते रहे, तां पर तू ही डरे, तू ही उना ते ही कृपा कर दित्तियां, उना ते मीरा कर दित्तियां, उना नू महान बना दिता। मसाल दे तौर ते 14 अप्रैल नू बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का जन्मदिन होया। ये मोहार जाति दे सन MP च इन्हां दा जन्म होया, तो इस जाति दे लोकां नाल बहुत सुवासात हूं। ये जब पढ़ने जान गए स्कूल इन्हों क्लास च नहीं सी बैठे आने दिता जाता, क्लास चो बाहर। एक बार ये ब्लैक बोर्ड पर कोई सवाल समझाने ले आए तो बच्चों ने रौला पाता, रुक रुक सानू अपने खाने वाले टिफिन साइड पर कर लैन दे, तेरी परसाई साढ़े टिफिना से ना पै। इतना जलील किया गया, लेकिन फिर वो गुरु जी की बाणी ते चले रे, जो गुरु जी ने कहा सी ना, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीपने, कि विद्या तो बिना विवेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है, वो विद्यावान है। कि आखिर वो अज ऐसे महान हो गए कि हर सरकारी दफ्तर दे विच उन्हां दी तस्वीर लटकाई जा रही। जिदी सोत तो लोग डरदे सन, उहदी अज चरणा दा सहारा लैके अपना दफ्तर दा काम शुरू कर दे, ऐसी उन्हां ने कृपा कर। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहूं ते ना डर,
वो जेड़ा मेरा गोबिंद है, वो जेड़ा मेरा मालिक है, वो नीचा तो ऊंच बना दूंगा, वाकया बना दूंगा। दस ने एक नी दो नी लखा लोकां नू देखिया जिना जिना गुरु जी की बाणी नाल प्यार कीता वो महान है। गुरु प्यारी सतसंगत जी जिस तरह तुसी ये जगानू दे विच गुरु घर बनाया होया है, इसी तरह किसी ग्रां दे विच गुरु घर बनिया होया है। उथों का पाठी पाठ करदा ते लास्ट दे विच एक धारना कह के शब्द पढ़दा कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना जाए, क्यों गुरु नीचा तो ऊंच बना दिंदा उस मजदूर ने। पाठी दी रोज ए पंक्ति सुन, मजदूर ने आले दुआले लोकां नूं पुछया पाठी जो कह रहा सच कह रहा, उन्होंने कह नहीं मारदा। अच्छा, पर वो लगातार ही सुनता रहा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहूं ते ना डरे। एक दिन वो सोचन लगा चल पाठी नाल गल करके आने, वो गुरु घर च दाखिल हो। पाठी जी नूं बोलिया, पाठी साहब तुसी कहिंदे हो नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे, वाकया मालक नीचा तो ऊंच बना दिंदा। पाठी जी कहन लगे हां भई मैं मजदूर आदमी हां, मैं भी ऊंच हो जावांगा, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, मैं मजदूर हां, मैं हीरियां दा व्यापारी बनना चाहता हां, गुरु मैनू हीरियां दा व्यापारी बना देंगे? हां जरूर बना देंगे, हैं? हां, पर तेनू गुरु जी दे कुछ उपदेश मनने पैन, कुछ हदायत मंगनिया पैनगियां। की मैं मनन लई तैयार हाँ जे मैं मजदूर तो हीरियां दा व्यापारी बन जाना, मैं की मैनू की तो दसो उपदेश मैं मनन नू तैयार हाँ। पाठी जी कह लगे सब तो पहला उन्हां दा उपदेश है सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मदब मखीर, प्यार ना रहना। सोच लगा साडे घर रोज लड़ाई ले दी कि तेरा प्यार ना रवान, किन्ने असी ते प्यार ना रहा लिया पर परिवार दूजा ना रहे, कहिंदा वो भी हो जाएगा। तू सोचना मैं प्यार ना रहा, कहिंदे चलो ठीक है। दूजा उपदेश सुरसरी सलल किरत बार नीरे संत जन करतने पन, नशे जितने मर्जी वधिया क्यों ना हो सेवन नहीं करना है, नशा सेवन नहीं करना, नहीं वो तो रोज ही नशे करता सी, मैं सेंत कंट्रोल नहीं कर पावांगा। फिर मन ने समझाया मना हीरियां दा व्यापारी बनना है साढ़े सलामत। आखिर उन्हें कहता ठीक है मैं नशे छड़े, मैं प्रतिज्ञा करता हां मैं आज तो लैके नशिया का सेवन नहीं करा। तो अगला उपदेश आवा दान सदा मसहूर ओहा गनी बसे मामूर, सोत दे तनी बनने
तेरे च वधिया सोच होवे जो भी करना वधिया करना ठीक है। जाए उपदेशा नूं मन लवेगा तो हीरिया दा व्यापारी बन जावेगा। ते दो होर गल्लां गुरु जी दियां भुलनियां ने, टाइम नूं व्यस्त बर्बाद नहीं करना ते धीरज नूं सजना नहीं, हौसले नूं त्यागना ठीक है। दिहाड़ी लगाउण लई चला गया विचार, सपना कादा लै लिया, हीरियां दा व्यापारी बनदा है की है मजदूर। दिहाड़ी लगाउण लई चौंक च खलो गया, शहर दा कोई सेठ आया, मैनू सफाई लई कोई मजदूर चाहीदा। सारिया ने जवाब देता कोई पैकिंग का समान है तो असी कर आने, लेकिन सफाई का काम नहीं कर पाए। आखिर सेठ ने उसनू पूछया तू कहिंदा मना चार दिहाड़ियां पहला नहीं लगियां ते पंजवें भी नहीं लगी, भुखे मर जाएंगे न्याणे। नाले गुरु ने कहा सी टाइम नू बर्बाद नहीं करना, कहिंदा मैं चलना तेरे नाल। वो मजदूर सेठ दे नाल चल पिया। जदों उत्थे पहुंचिया जिस शोरूम की सफाई करन लई उन्हें दस्या क्या, वो वेखदा की है हीरियां दा शोरूम सी। किन्हां दा? हीरियां दा, ते हीरियां दा ही व्यापारी बनना चाहुंदा सी। कहिंदा मना व्यापारी ते नहीं बनिया पर हीरियां दी दुकान ते जरूर पहुंच गया, आसा दी किरण जाग पई उहदी। फॉरमैलिटी कर लगा, सफाई कर लगिया, फिर आया नहीं, गुरु ने कहा सी जो करना वधिया करना, दिलो होके सफाई की। शोरूम नू बिल्कुल साफ करता, सेठ बड़ा खुश होया, वाह इतना ईमानदार मजदूर। कहिंदा यार तू पक्का मेरे कोल रह पै, ऐ तू 20 रुपये दिहाड़ी कीती सी रख लै, ऐ 10 रुपये, ऐ 5 रुपये तेनू मैं इनाम दे, पर अज तो लैके पक्का तू मेरा नाल ही कम करे ठीक है। चला गया, 20 रुपये दिहाड़ी मिली, 5 रुपये फालतू मिल गई। रस्ते च आ गया वो मंजूर सुधा हाथा गवर्नमेंट, उस राब दी दुकान, सारे खड़े ने। तो गुरु प्यारी सा संगत जी ओदे साथी खलोते हुए आ जा गई, कहिंदा मैं नहीं जाना, सोच मैं नाली मन। जब ज्यादा क्या जारा दोस्ता ने तो मन चाया 20 रुपये दिहाड़ी वाले रख लेने, उपरले पैसों की पी लेने। फिर समझाया मन, ओ मना वो लोगों नाल झूठ बोलिया, गुरु नाल भी झूठ बोलेगा। लोगों नाल 400 भी खेडी, वो गुरु नाल भी 400 भी खेडेगा। वो केड़ा मुंह दसेगा गुरु नूं जाके नहीं करना। बथेरा कुछ किया, जनानी तो डर गया, अज पलान हो गया, टीम हो गया, पर उन्हें अपना सिदक नहीं छड़िया। 5 रुपये दे रस्ते चो केले लै ले, संतरे लै ले, जाके कारवाली नू देता जेड़ा भी लिफाफा सी फरूट वाला, 20 रुपये काट के दिहाड़ी भी दे। बड़े हैरान परिवार, पैसे भी ज्यादा ले आंदे, फरूट ले आंदे, लेकिन आप आज इन ड्रिंक नहीं। दूजा दिन बीतिया, तीजा दिन बच्चों दियां कापियां चेक करदे, वेखदे न्याणियां नूं किन्ना पढ़िया, कोल बह जांदे। न्याणे कहिंदे आ एक दिन मम्मी बड़ा चंगा लगदा, डैडी जेड़ा ना ये बहुत समझदार हो गया साडा,
सारा काम वेखदा स्कूल का होमवर्क नूं करांदा अगे तो न्याणे सियार घरवाली कोलों रिहा नहीं गया। एक दिन पुछन लग पई स्वामी जी मैं बड़े तरले पाए बड़िया मिन्नतां कीतियां सी नशे करने बंद कर दो तुसी नहीं मन्नी हुण कौन टक्कर गया तुहानूं बलिए लोके मैं रोज ही दियारी लगान जांदा सी ना वो रस्ते च जिहड़ा गुरु घर है उत्थों दा पाई रोज कहिंदा सी कि नीचे ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे ते मैं उन्हूं पुछिया मैं भी ऊच बन सकना उन्होंने कहा हाँ मैं मजदूर या हीरिया का व्यापारी बन सकना उन्होंने कहा सी बन सकेगा पर यह कुछ शर्तां याद रखनिया तू तो नशे नहीं करने प्यार न रहना जो करना वधिया कर इस करके मैं नशे करने बंद कर तू बोली के पलिया लोका तू ऊच हो गया है, है? हाँ तू महान बन गया परिवार च शांति आ बच्चे बड़े खुश ने कहिंदे मम्मी अगे सेड़े सियाने न्याणे है ना नाल दे वो सानू कहिंदे ही शराबी दे नसई दे बच्चे हुण पता की कहिंदे है एक समझदार बाप दे बच्चे हुण मम्मी मजा आया असी समझदार बाप दे बच्चे बन गए असी किसे नसई दे बच्चे नहीं। कहिंदी जी तुसी ओ हीरे आदे व्यापारी बन गए बच्चे हीरे कहिंदा नहीं मैनू गुरु ते यकीन है मैनू हीरिया का व्यापारी बनाया पर सोचन लगा इतने मैं कि चिर लग्या दिहाड़ी लाना ये तो हीर का व्यापारी नहीं बना थोड़ी ज्यादा ज्यादा कमावा एक काम छड़ के होर कोई काम कर लो ऐसी सोच आई पर फिर मन च आया गुरु ने क्या ही हौसला भी रखी काली ना करी मना जितनी देर तक दूजा कोई काम नहीं मिलता एक कर उस दिन ही शाम को सेठ कहन लगा कल तो तू सफाई नहीं करेगा है नौकरी सदा दे तू सफाई नहीं करेगा सफाई नहीं कोई होर रख लिया कल तो लैके तू मेरे नाल हीरिया का काम सीखेगा तेनू मैं दसांगा हीरिया की परख की है इन्हों तरासी का किस तरह है उन्हें काम समझा थोड़े समय बाद ही सेठ कह लगा मैं विदेश जा रहा तेनू काम आ गया मगरों दुकान चलाई उन्हें चलाई दुकान थोड़े दिन बाद जल्दी खोल लैनी लेट आवर बंद करनी जेड़ा जल्दी गाहक आ जाता वह भी वो को आ जाता जेड़ा लेट वाला वह भी वो को आ जाता बाकी किसी उन दो महीनों के बहुत वड्डी रकम कमाई 2 लाख रुपए सेठ वापस आया वो 2 लाख रुपये सेठ नूं दे सेठ कह लगा ये कादे पैसे कहिंदे जी मैं जेड़ा मगरों काम कीता है ओहो मैं भी दुकान ते हुंदा तो केवल 1 लाख रुपया कमाना सी तू 2 लाख कमा के देता इतना ही हो गया मैं थोड़ी जल्दी दुकान खोल लेंदा सी लेट बंद करदा सी मन चाया मना सेठ दे मन चाहे जे तो मजदूर इतनी ईमानदारी निभा रहा है तू भी ईमानदारी निभा
ये 2 लाख रुपया दुकान तेरी 20 लाख की है, दसवां हिस्सा दुकान का पाई वाल। दूजे दिन जो आया सेठ ने एक एफीडेविट लिखिया, सैन किए उन्हें पकड़ाता, कहना अज तो लैके तू मेरा नौकर नहीं होएगा, तू भी ये दुकान का मालिक होएगा, चाहे दसवां हिस्सा ही। जदों आज उन्हें दुकान का मालिक बना दिता गया, उन्हें एक मठियाई का डब्बा लिया ते गुरु घर चला गया, मत्था टेकया। क्यों जिहड़े लोग कहिंदे सन ना एवें मारदा रहिंदा भाई, उन्होंने कहन लगा भाई एवें नहीं जे मार, ये जो कहिंदा सच कहिंदा, गुरु जी वाकया नीचा तो ऊच बना दिंदे ने। बसर जेड़ा उन्हां दी गल मन्नी, रब परकाश रजनी जत्था गत जानत सब संसार, पारस मानो तांबो सोहे कनक होतनी बार। रब परकाश रजनी जत्था, रात दा जितना मर्जी हनेरा हो, जदो सूरज उदे होण ते आउंदा रात दा हनेरा खत्म हो, पारस दे नाल कोई भी लोहा लग जे सोना बन जाए, नाम दे नाल जेड़ा भी जुड़ गया उदा कल्याण हो गया। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, असी भी महान बनना, गुरु जी की बाणी नू मनना, ये नहीं है इधर सुनी ते इधर कढ़ती, असी नशे नहीं करने, असी प्यार ना रहना है, अपने च प्रेम नू रखना है। फिर गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तर, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सर, नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तर, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सर। नाम देव कबीर तिलोचन सजना सैंत, सतगुरु नामदेव जी जाति दे सीपे सन, पर एक मंदिर नु कमाल, इधर का दरवाजा उस पास कर, हालांकि बिल्डिंग बनी घूमती नहीं उन्हें कमा दी। नामदेव कबीर सतगुरु कबीर जी उन्होंने पानी दे विच सुट दिता, सोने की सेज के उतरा, सदना जी कसाई सन, सतगुरु सैन जी नाई सन, सारी महान हो। गुरु जी ने कह कही रविदास सुनो रे संतो, हर जी उत्ते सबे सर, ऐ गुरमुखो मेरी गल ध्यान नाल सुन लैन, जेड़े लोग मेरे उपदेशां ते चल पैणगे, मेरी बाणी नू मन लैणगे, उन्हां दे सारे कारज रास हो जाए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, असी गुरु जी की बाणी नू अपने जीवन च अपनाना है, असी भी महान बनना है, जेड़े अजे तक नहीं बने बुराइयां च नहीं, असी बुराइयां सड़नी,
और गुरु जी के उपदेश नु मन के अपना जीवन महान बना लें। यही गुरु जी का जन्मदिन मनाना हुए। ते जेकर असी सत्संगा भी सुनिया गुरु की बाणी नाल भी जुड़े पर रब गुणां नू नहीं त्यागिया वो ते गल उह ही हो गई। हेठ पराली उपर सली जिहो जे आए ते उहो जे चले नहीं। आओ दुनिया ते आए हाँ महान बन के जाने कोई ऐसी कर्म कर जाओ कि तुसानू दुनिया महान कहे। हाँ कई कहते नहीं साडे बड़िया मुश्किल ने सैद अंबेडकर जिन्या किसी नू मुश्किल ना आंदियां हन पर वो भारत दे सब तो ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हन। तो इस करके असी कदी रुकावटां तो नहीं डरना अपनी मंजिल वाल चलना आखिर असी उस मंजिल नू पा जावां। सो गुरु जी ने सानू नीचा तो ऊंच बन दा रास्ता दस्या। असी उन्हां दी बाणी ते चल के अपने आप नू ऊंच बनाना यही सतगुरु दा उपदेश सारियां ही संतां नू दस रलो। जय गुरदीप जय गुरु रविदास। तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो लेश टरकारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो गस जपे नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेर ले भाई पसारे करके नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई पायो जे आरो भवन सगलारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला बार उठारा सगल जुठारे हर के नाम बिना झूठे सगल बसारे। तेरो किया तुझे क्या यार वो तेरो किया तुझे क्या यार वो नाम तेरा तू ही जबर डोलारे हर के नाम बिना झूठे सगल बसारे। दस अठ अठ सठ चारे खानी दस अठ अठ सठ चार खानी एह बरतन है सगल संसारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे।
नाम है हर भोग हरे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। चलो हर सो हीरा चाड के करे आन की आस, तेरे नर दोज के जाएंगे सत पाके रविदास। हर सो हीरा चाड के करे आन की आस, तेरे नर दोज के जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निरपै सतगुर रविदास महाराज की जय, स्वामी जगत गिर महाराज की जय, स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय, सब साध संतन की जय, सांचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।